हाँ बड़े तो नहीं ले रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विंग सटना। देखिए ये मेरे जिया जी है, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। अब हम लोग सब जा रहे हैं नहाने के लिए समुंदर में, तो चलिए वो सब एक एक करके आ रहे हैं। और बहन लोग और भी दूसरे वाले रूम में हैं, तो वो लोग भी सब आएगी तो हम लोग एक संग निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकल गए। मेरी बेटी रो रही है, उसे लिप में डर लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी की लड़की, ये लोग सब लेके जा रही है उसको गोदी में करके। देखिए अब हम लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं लिप में। तो यहाँ पे मैं वीडियो कर रही थी, तो ये लोग को लग रहा था, दीदी लोग को, जिया जी लोग को, कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, पर मैं वीडियो कर रही थी। देखिए यहाँ पे जिया जी को जब पता चला हम वीडियो कर रहे तो हंसे लोग। तो यहाँ पे हम लोग सब निकल गए, काफ़ी धूप है यहाँ बाहर में, क्योंकि हम लोग सब रेडियो के निकल गए हैं। पीछे हमारा गैंग और भी है, सब दीदी लोग आ रही है। यहाँ मेरी बेटी का लुक देखिए। यहाँ पे हम लोग को भूख लगा था, तो आगे हम लोग नाश्ता पानी करके तब हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। तो कोई अंडा पारूटी खा रहा है, तो कोई घुघनी पारूटी। मैं यहाँ पे ली थी कचौड़ी और घुघनी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब खा पी के हम लोग नहाने जाएंगे। काफ़ी धूप है यार, काफ़ी धूप है। देखिए यहाँ पे हम लोग सब निकल रहे हैं तो हम लोग सब जा रहे हैं। कोई कोई आ रहा है इस टाइम पे, तो कोई कोई जा रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं और भी सुबह जाना चाहिए, काफ़ी भीड़ है। देखिए मुझे तो लग रहा है सब, मतलब कोलकाता के लोग सब यहीं ढूक गए हैं, हावड़ा के लोग, कलकत्ता के लोग। कितना भीड़ है, बाप रे बाप। देखिए यहाँ पे भीड़, आप देखिए कैसे नहाएंगे, इसलिए थोड़ा हम लोग आगे जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे तो नहाने का सीन मुझे लग ही नहीं रहा है, काफ़ी भीड़ है, भीड़ में मैं नहीं नहा पाऊँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे, देखिए ऐसा लगा मुझे पानी लेके ही चला जाएगा, एक झटका से आया, बाप रे बाप, मैं तो डर ही गई, मैं तो डर गई। यहाँ पे दीदी लोग सब बैठी हुई है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे पत्थर के वजह से हम मच्छर से, मतलब पत्थर से पानी का जो लहर आ रहा है इतना जोर, बहुत जोर, मेरे पैर पर लग भी गया था। देखिए मेरी बेटी भी बैठी हुई है, तो अभी जिया जी लोग पीछे हैं, वो लोग आ रहे हैं और हम लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय किया, पत्थर से ही ज़्यादा ये हो रहा है। पत्थर यहाँ पे काफ़ी रख, आगे उतना पत्थर नहीं था, अभी काफ़ी हो गया है। देखिए पानी का लहर आ रहा है, उसी में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए समुंदर में मैं नहा के और भी नमकीन हो गई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बना रहे थे। देखिए मैं गाना भी गा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, लहर आ रहा है, पैर को छू के जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से नहाना वहाना हो गया था, तो अब हम लोग आगे होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जाके फ्रेश भी होना है, फिर खाना पीना भी खाना है। तो देखिए काफ़ी धूप था यहाँ पे, काफ़ी धूप था। तो यहाँ हम लोग, मैं, मेरी बेटी, ये लोग सब, मम्मी लोग सब आगे निकल गई है, मैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, लेकिन मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। चलिए अब मैं मेकअप कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने मेरा मेकअप भी हो गया है। अब हम लोग खाना खाने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे दीदी भी है, अब हम लोग को काफ़ी भूख भी लग गया था, तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग खाना खाना पीना हो गया था, तो जल्दी जल्दी फ्रेश होके हम लोग यहाँ पे टोटो पकड़ लिए हैं, टोटो हम लोग बुक कर लिए हैं, हम लोग दीघा जा रहे हैं। ये दीघा के एक मंदिर है, चकेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग सब जा रहे हैं, यहाँ पे जिया जी हैं, यहाँ पे दीदी है, यहाँ पे बहन है, आगे में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, यहाँ पे दीदी का लड़का है, मेरी बेटी, मेरी दीदी लोग, मम्मी लोग सब अभी होटल में रेस्ट ले रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा, हम लोग को नींद नहीं आता, तो हम लोग थोड़ा बाहर में घूमे। सोना तो सब समय है, बाहर में भी सोना आता है, सोना है क्या, तो इसलिए मुझे तो नींद नहीं आता कहीं बाहर जाने से, मुझे सिर्फ घूमने का ही मन करता है। तो देखिए यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो मन करता है मैं यहीं उतर के थोड़ा वीडियो बना ली। तो देखिए बात करते करते मंदिर भी आ गया है, तो अभी हमने यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री करे। देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा है, बहुत साल बाद में आई हूँ ये वाला मंदिर, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं।
तो देखिए यही है मंडी। तो चलिए मंडी के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे बाहर का मैं लुक दिखा दे रही हूँ आपको। आगे उस तरफ में जो पेड़ है वहाँ पे मानसिक मतलब आपका जो मनसा रहेगा पूरा कर सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मंडी के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे नंदी भगवान जी हैं, तो पहले यहाँ पे हम लोग कान में उनको जो आपके मन में होगा आप बोल सकते हैं। जैसे कहा जाता है वो नंदी भगवान ही शिव जी को जाके बताएंगे कि क्या है, जैसे लोग कहते हैं। आई डोंट नो, मुझे जितना पता था मैंने आप लोग के संग शेयर किया। अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के संग भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जैसे ही गए पंडित जी बोले आप लोग नंदी भगवान जी के कान में कुछ कह दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, देखिए यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ मंदिर आ गया है। देखिए यहाँ पे अंदर में शिव जी का अंदर में वीडियो करना पिक लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं बाहर ही से कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे पानी भी है, देखिए यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है। तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे आगे, हम लोग पानी में चलते हैं। पानी के वहाँ पे थोड़ा पैर भिगा लेते हैं। हाँ ये दुर्गा माँ का ही मंदिर है, देखिए काफ़ी अच्छा लगा था। तो अब हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं, सामने में और एक मंदिर, हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। देखिए हम लोग थोड़ा पिक विक लिए, अब हम लोग का पिक विक हो गया है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे दीदी है, मैं हूँ, यहाँ पे हम लोग पिक विक लेके अब हम लोग दूसरे मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग और एक मंदिर आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मंदिर था यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ भी नहीं है, वीडियो करना भी है। फ़ोटो आप बाहर से ले सकते हैं पर अंदर से कोई भी वीडियो फ़ोटो कुछ भी अलाउ नहीं है। मैंने सोचा मंदिर थोड़ा फाका है तो ले ले, तो एक अंकल बोले मना है, बेकार मत करिए नहीं तो ये लोग चिल्लाएंगे, इसलिए यार मैंने बंद ही कर दिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो बाहर से जो जो लेने का था मैंने लिया है। देखिए उस तरफ में साइड पंडित जी लोग रहते हैं, तो मंदिर से तो फ़ोटो खींचना ही मतलब धूप बाहर से जो आप करना है कर लीजिए, अंदर का कुछ भी मत, मना है पूरा। तो कैसा लगा मेरा